हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, गुड़ नहीं है हर तरफ बस चींटियां आबाद हैं। अगर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं? क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं? है हवा खामोश भीतर आंधियां आबाद हैं। क्यों हमारे वसल जी, क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं? मैं क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं? है हवा खामोश भीतर आंधियां आबाद हैं। इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था। राबता मतलब संपर्क संबंध। इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था। आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद। इस तरफ से उस तरफ का आरजे सिंह साहब, इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था। आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद हैं। और गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो। अखिलेश जी, गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। और लड़कियों को लेकर के तमाम सारी बात होती है। मैं भी उस उम्र से गुजरा। मेरे घर के ठीक दरवाजे पर नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कॉलेज था, राजेंद्र नगर में। जब मैं 5 साल का था तो मुझे 3 साल की लड़कियां अच्छी लगती थी। जब मैं 10 साल का हुआ, मैं बिल्कुल सही साइकोलॉजी आपके सामने रख रहा हूँ, झूठ आज तक हमने बोला नहीं है। जब 10 साल का था तो मुझे 6-7 साल की 8 साल की लड़कियाँ अच्छी लगने लगी। जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा तो 9th और 10th की लड़कियाँ अच्छी लगती थी। LLB में पहुंचा तो BA फाइनल की लड़कियां, BA की लड़कियां अच्छी लगती थी। आज मुझे वहां की टीचर्स अच्छी लग रही हैं। ये उम्र के साथ, ये उम्र के साथ बदलाव आता है। तो एक लड़की जब तरुणाई में पहुंचती है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, बस वो मैं अभी प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे इसके बाद। हमने कहा आजकल टीचर अच्छी लगने लगी तो शोभा जी फूल देने आ गए। जो प्रिंसिपल है वो क्योंकि शोभा जी एक टीचर हैं। शायद पहली बार किसी ने टीचर के प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन किया होगा। नहीं, टीचर आपको कैसी लगती थी, मतलब टीचर को आप कैसे लगते थे ये भी बता दीजिए। अब टीचर ने फूल हमको तो दिया है, आपको तो दिया नहीं। आप आंख लीजिए, आप कहाँ खड़े हैं। मैंने अपने को आंख लिया। नहीं नहीं नहीं, क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं? है हवा खामोश भीतर आंधियां आबाद हैं। ज्यों कदम रखा जवानी की हसीं दहलीज पर, ज्यों कदम रखा। अगर कुछ जरा सा बन जाए तो ये जितने इस हाल में 96 लोग बैठे हैं टोटल मिला करके, मैंने काउंट किया है 96 लोग हैं टोटल। तो ये जो लोग बैठे हैं वो अगर जरा सा भी कुछ इसमें दिखे तो एक बार मुझे अप्रिशिएट कर दें, बस और कुछ नहीं। ज्यों कदम रखा जवानी की हसीं दहलीज पर, ज्यों कदम रखा जवानी की हसीं दहलीज पर, यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। और चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूं तो अंत में औकात आ ही जाती है। हाल कैसा हो गया, ये अनुराग पांडे जी को समर्पित है। बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, इस इलाके के पार्षद हैं और बहुत ही जहीन व्यक्ति हैं। कविताओं से अगाध प्रेम है इनको, लेकिन अब हम क्या करें। अब जहीन माने बाद में बताएंगे, IAS में आपको सिलेक्ट किसने किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। जो कदम रखा जवानी की हसी दहलीज पर, यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। और शेर देखिए कि शेर नहीं मतलब तुकबंदी देखिए कि हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, गुड़ नहीं है हर तरफ बस चींटियां आबाद हैं। गुड़ नहीं है हर तरफ बस चींटियां आबाद हैं।